छात्र की गोली मारकर हत्या। यूपी के बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक के छात्र की गोली मारकर हत्या कर हत्यारे फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के नगला ढोलन गाँव में रहने वाले पॉलिटेक्निक के छात्र सुदेश की, जो सोनीपत से दो दिन पहले ही स्कूल से छुट्टी लेकर अपने गाँव आया था। 17 नवम्बर की शाम को सुदेश खेत पर पानी लगाकर लौट रहा था कि रास्ते में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर सुदेश की हत्या कर दी और फरार हो गए। सुदेश की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब हत्यारों की और हत्या के कारणों की तलाश में जुटी है। छात्र की गोली मारकर हत्या की गई, क्या मामला है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये कल शाम को लगभग 7-7.30 बजे के बीच में डायल 100 के माध्यम से एक सूचना आई थी कि फायरिंग हो गई है और एक लड़के को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई। जांच करने पर पाया गया कि एक संदेश मीना नाम का लड़का है जो ITI पॉलिटेक्निक का कोर्स दिल्ली से कर रहा है। वो अपने घर आया हुआ था और बाद में उसको गोली मार करके अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गई है। छानबीन प्रारंभ कर दी गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग दर्ज है और जहाँ तक संभावना बन रही है कि आसनाई का कुछ चक्कर है जिस वजह से।